नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं यूपी के रामपुर की, जहां कांग्रेस नेता और चुनाव पर्यवेक्षक राशिद अलवी एक निजी होटल में कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राशिद अलवी का जोरदार स्वागत किया। वहीं टिकट की मारामार को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी आज रामपुर पहुंचे। उन्होंने जीनत होटल में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग शुरू होते ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और आपस में झगड़ पड़े। सब लोग अपने अपने प्रत्याशी के टिकट के दावे को लेकर नारेबाजी कर रहे थे और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही झगड़ पड़े, जिसको देखकर पूरे हॉल में हंगामा हो गया। चीख पुकार मच गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी ने माइक संभाला और कहा, मैं यहाँ टिकट बांटने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आप लोगों से मिलने आया हूँ, आप लोगों की समस्याएं जानने आया हूँ। अगर ऐसे हंगामा किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब कहीं जाकर टिकट के दावेदार शांत हुए। यहाँ पे कोई बात ना हो तो मैं खामोशी से वापस जाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बात हो और आपको सुनो तो ये माहौल नहीं हो सकता। किसी के नारे लगा के अगर आप जो नारा लगा उनको खराब करना चाहिए, नारे सुनने नहीं आया हूँ। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तब आप नारे लगाओ, और अगर कहने के लिए है तो नारे क्यों लगा रहे हो, मुझे अपनी बात बताओ। और यहाँ मैं टिकट तय करने के लिए नहीं आया हूँ कि किसको टिकट देना, ये फैसला ऊपर करे। अगर आप ईमानदारी से सच्चाई से अपनी बात मुझ तक पहुंचाओगे तो वो बात मैं ऊपर तक पहुंचा दूंगा। आप नहीं पहुंचाओगे, जो कुछ आप कर रहे हो यही मैं ऊपर बोलूंगा कि ये सब कुछ हुआ है रामपुर। मैं तो जब आया मुझे खुशी हुई कि रामपुर में कांग्रेस बहुत मजबूत है, इतने लोग हमारे ये मीडिया नहीं छापेगा, यही छापेगा। मैं आपकी सबकी बात अलहदा सुनूंगा, चाहे रात हो जाए, एक कमरा ऊपर है, जो अलहदा में बात करना चाहे मुझसे कर सकता है। जितना वक्त आपको चाहिए इतना वक्त, शोर मत मचाइए, खामोशी से अपनी बात। राशिद अलवी ने मंच से कार्यकर्ताओं से कहा कि देश हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने वाले हाथों में है, ये लोग देश को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। सभी से मेरे अनुरोध है, दरख्वास्त है कि भाई लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, कोई ये सोचे कि यहाँ मैं 150 आदमी बुला के और यहाँ नारे लगवा दूं तो टिकट हो जाएगा, इससे काम चलने वाला नहीं। हम तो ये राय देंगे आदरणीय राशिद अलवी साहब को कि वो पूरे जिले का बूथवार सर्वे करा, गोपनीय रिपोर्ट लें। यहाँ तो सब अपनी अपनी बात कहेंगे, जो मजबूत हो उसे टिकट दें। कांग्रेस के हम सब लोग हैं, जो भी उम्मीदवार होगा उसे सब लोग, लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि यहाँ नारेबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। लाओ डेट रख लो अलग अलग, राशिद अलवी साहब को प्रोग्राम दे दें, तीनों को अलग अलग अपनी अपनी डेट रख लें, देख लेंगे किसके आदमी ज्यादा होंगे। इससे क्या होता, सही बात है। यहाँ कहो नारे लगा के अलग अलग एक ही दिन में साहब तीन प्रोग्राम दे दो, सबके प्रोग्राम हो जाएंगे अपने अपने, जिसकी ज्यादा भीड़ हो उसे दे दें, लेकिन भीड़ के हिसाब से नहीं, आप सर्वे करवा दें। मेरी सभी से ये दरखास्त है कि शांति से हमारे नेताजी को सुने। सीएनजी कार चालक हो जाए सावधान। जी हाँ, फरीदाबाद में चलती कार आज अचानक आग का गोला बन गई। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, कार पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो चुकी थी। गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते कार से बाहर आ गया और उसकी जान बच गई। धू धूकर जलती दिखाई दे रही इस कार का ये नजारा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ फ्लाईओवर का है। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मैं भगत सिंह कॉलोनी, मैं पेट्रोल पंप एचपी का गया, वहाँ से आ रहा था। अच्छा, बच्चों को लेने जा रहा था कन्नेरा, अच्छा, एल्पाइन बोर्डिंग स्कूल में।
अच्छा उधर को मैं पढ़े ले जाता हूँ, सुबह को भी छोड़ने जाता हूँ। ये गाड़ी कौन सी है? एक्सेंट गाड़ी है। कॉमर्शियल में चलाते हो कैसे? हाँ कॉमर्शियल में चल रही थी, जैसे बुकिंग वगैरह पे चलाता था, बट किसी कंपनी में नहीं लगा रही थी, अगर किसी की बुकिंग आ जाती है ले जाता था। अच्छा अच्छा। अभी घर में थोड़ी परेशानी चल रही थी 2 महीने से, घर वाली की डिलीवरी वगैरह हुई है ऑफिस से, तो मैं कहीं जा नहीं पा रहा था उस पीरियड में, कोई बात नहीं। फिर बच्चों को मैं लेने जा रहा था, अचानक मैंने वहाँ से पीछे से ही गुटखा लिया, पुल वाले पल्ले वाले पुल पर से नीचे से ही गुटखा लेके। नहीं वो छोड़ो, गुटखा गुटखा भी छोड़ो, ये बताओ कि अब जैसे आप आए हो, अभी आप आए हो या यहाँ फायर ब्रिगेड आई है, पुलिस आई है, किसने आपने सूचना दी? मैं यहाँ गाड़ी में अचानक चल रहा हूँ, दो बार सैलरी स्टार्ट हुई, उतरा भी इधर, उतरने के बाद में जो है मैंने बोनट खोला, आग खूब लग चुकी थी अंदर, उसमें खूब धुआं निकल रहा था, कोई नहीं फिर बोनट छोड़ दिया क्योंकि उसमें वो भी नहीं लगा पाया उसका जो स्टैंड रहता है। फिर सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, बोले भैया अरे पानी डाल मट्टी डाल उस पर, काफ़ी कुछ किया मगर नहीं कंट्रोल कर पाए हम लोग। फिर मैंने फायर ब्रिगेड में कॉल करी, 2-3 बार के बाद में कॉल लगी, कट जाता था बार बार, लगने के बाद में फिर ये लोग 5 मिनट के अंदर में आ गए, फिर ट्रैफिक था तो यही फंस गए अभी, आए धीरे धीरे। अच्छा कितनी आग, अब कितनी आग लग चुकी है, मतलब गाड़ी कितनी है, कुछ है गाड़ी में बचा? कुछ नहीं बचा गाड़ी में, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो गाड़ी का सिलेंडर होगा सही तो वही हो सकता है। ड्राइविंग आप ही कर रहे थे? हाँ ड्राइविंग मैं ही कर रहा हूं। और कोई बैठा नहीं था? और कोई भी नहीं था, मतलब ये है कि इसलिए सही सलामत बच गए। हाँ मैं निकल गया सही सलामत। इस घटना में गनीमत रही कि कार में लगी सीएनजी में धमाका नहीं हुआ और कार चालक ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते कार से बाहर आ गया। मोगा के गांव गलोटी में शहीद जैमल सिंह के घर पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी परिवार के साथ दुख साझा करने पहुंचे। वहीं इस मौके पर उन्होंने अपने और अपने साथियों की तरफ से शहीद जैमल सिंह की पत्नी को 2 लाख रुपए का चेक भेंट किया, वहीं उनको नौकरी देने का भी ऐलान किया। जो शहीद जैमल या जिहड़े उन्हां दे नाल उस दिन साथी सीगे और उन्हां चो 4 सज्जन जिहड़े पंजाब दे ने, इह पंजाब नूं ही नहीं सारे मुल्क दा जिहड़ा एक बहुत एक ऐसा हादसा होया कि इह इतिहास विच लिखिया जाएगा और सारा मुल्क जिहड़ा हैगा इह शहीदां दे परिवारां दे नाल है। कैप्टन साहब की सरकार, असी सारे कांग्रेस पार्टी, असी इंडिविजुअल तौर पर अपने परिवारों के नाल इन्हां दे नाल दुख सांझा करन वास्ते अज सारे मेरे MLA साथी साहबान, सारी कांग्रेस पार्टी प्रधान जी साढ़े इतों के सारे इत्थे पहुँचे हुए ने, सारे अफसर साहबान, सो असी इन्हां नाल दुख सांझा करन आए। ये चेक कोई सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार की तरफ से चेक जो है वो अलग है जो CM साहब ने अनाउंस किया है। ये तो एक हमारे जो आपस के लोग हैं उनका एक परिवार के लिए एक छोटा सा सहायता है, 2 लाख रुपए का चेक आज दिया है, तो ये बात है। सर आपके MLA भी अपनी तनख्वाह से दे रहे हैं? सभी MLOs ने फैसला किया है कि 1 महीने की जो तनख्वाह है वो इन शहीदों के परिवार में दी जाएगी। तो सर और भी कोई सहायता दी जा रही है, नौकरी वगैरह? बिल्कुल नौकरी दी जा रही है, जब तक कोई नौकरी नहीं मिल रही और नौकरी के साथ पेंशन भी इनको दी जाएगी, 10,000 रुपये की महीने की पेंशन जो है। सर नौकरी कब तक मिल सकती है? नौकरी अभी बात करी है कि ये जो उनकी धर्मपत्नी हैं सुखजीत जी, इनकी देखना पड़ेगा क्वालिफिकेशन क्या है, किस हिसाब से किस ढंग से, और जल्दी नौकरी दी जाएगी। और बेटे की जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई जो है सरकार खर्चा पूरा उठाएगी, जो भी जहां तक भी इन्होंने पढ़ना है, और वहां पढ़ने के बाद इनको नौकरी भी दी जाएगी। सर तलवंडी मलिया का एक शहीद हुआ था 1.5-2 साल पहले मोगा का ही, उसको अभी तक नौकरी मिली नहीं मिली, ऐसा तो नहीं है कि? ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो आप बात कह रहे हो ये मेरी नोटिस में नहीं है, और अगर उसको नोटिस में लाया जाएगा, सरकार के नोटिस में लाया जाएगा, तो श्योरली मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई उस पर विचार करेंगे। लेकिन ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो अनाउंस किया है वो हर तरह से जो हर जो बात करी है वो पूरी की जाएगी। सर मंत्री जी से बात करके उनको, MLA साहब मेरे साथ खड़े हैं लोगुट काका जी, और उसका भी निर्णय या फैसला जो भी है जल्द किया जाए। सर दूजे स्टेटा के मुकाबले इमीडिएट रिलीफ फंड मिल रहा है जी, पंजाब सरकार का सब तो घट है।
देखो ये जो फंड्स होंगे ने यह एक तुरंत सहायता देने वास्ते होंगे समय देखो आप एक अज अफसोस से और उस शहीद से आप मैं सियासी गल करता चंगा नहीं लगागा एक फिर किसी वेले तुसी मेरे को आ जाना या मैं तुहाडे कोल आ जावांगा आप खास तौर पर इस मिशन से आप कर मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में आज उस समय हंगामा हो गया जब वकीलों ने डीएम को ऑफिस में जाने से रोक दिया और उनके साथ धक्का मुक्की की गई जिसके बाद पुलिस और वकील आमने सामने आ गए और डीएम ऑफिस के सामने जमकर हंगामा हुआ। रजिस्ट्री कार्यालय में बदलाव होने से नाराज थे। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिसर जंग का मैदान बन गया क्योंकि वकील पिछले कई दिनों से रजिस्ट्री कार्यालय में बदलाव होने से नाराज थे। वे डीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सुबह उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब डीएम मुरादाबाद राकेश कुमार सिंह अपने ऑफिस में जाने लगे। ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे वकीलों ने शोर मचाते हुए डीएम का घेराव करते हुए और पीछे की तरफ धक्का देना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक चला हंगामा। इससे उनके साथ चल रही पुलिस हरकत में आ गई और दोनों तरफ से एक दूसरे को धक्का दिए जाने लगा। वकीलों की संख्या ज्यादा होने के कारण माहौल बिगड़ता देख अन्य थानों के पुलिस बल को भी मौके पर बुला लिया गया लेकिन उसके बाद भी वकील मानने को तैयार ही नहीं थे। वकील पुलिस के साथ भिड़ते रहे। आधे घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों को ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया। डीएम के साथ हुई धक्का मुक्की के चलते पूरा कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। हमारी ये बात हुई रजिस्ट्री यही होगी पुराने कार्यालय में जहाँ पे है हमारा यही होगा। और आज डीजे से भी मुलाकात हुई है। डीएम साहब ने कह दिया मैंने लेटर लिख दिया डीजे साहब को। डीजे साहब ने परमिट कर दिया है लिहाजा वो रजिस्ट्री यही काम होगा जहाँ होता चला आ रहा है। ये सब आप लोगों को मैं बधाई दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में गांव भदौरा में आज कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने एक जनसभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और पुलवामा में हुए हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से शहादत का बदला लेने की मांग की। पाकिस्तान का पानी रोकने की बात आप धोखा दे रहे हो। आपकी सरकार 2 महीने है कैसे रोकोगे वहाँ पे? जब तक आप कोई इंतजाम नहीं करोगे पानी किसी दरिया का पानी एक दिन में रोक सकते हो क्या? वो मुमकिन नहीं है। आपको पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। क्या कदम उठाओ ये प्रधानमंत्री तय करेंगे लेकिन आप तो कोरिया घूम रहे हो, आपको परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे सिपाहियों का बदला लिया जाए। अच्छा पुलवामा को लेकर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में आज जिला अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा ने राजनीतिक दलों के साथ मतदाता जागरूकता बैठक की जिसमें उन्होंने लगने वाले विशेष शिविर के बारे में जानकारी देते हुए सभी लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अनुरोध किया। जी सर बताएं जो आज राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग थी क्या मकसद? ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 23 और 24 तारीख को मतदाता सूचियों में एक विशेष अभियान उनको सही करने के लिए एक विशेष अभियान और चलाया जा रहा है कि ये विशेष पुनरीक्षण के दौरान किसी भी मतदाता का नाम किन्हीं कारणों से मतदाता सूची में नहीं है तो वो लोग पुनः इसका एक बार सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि मतदाता सूची का स्वयं अवलोकन कर लें। यदि किन्हीं कारणों से उनका नाम छूट गया है तो फार्म भर करके तहसील में बीएलओ को जमा कर दें जिससे उनका नाम जोड़ा जा सके और स्वच्छ एवं पारदर्शी ढंग से लोकसभा का चुनाव संपन्न कराया जा सके। सर इसके लिए क्या नाम है, कोई अंतिम तिथि दी जाएगी क्या? नहीं 23-24 हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में पूरे सभी अमरोहा के नागरिकों से अनुरोध है कि जिनकी जो वैध मतदाता हैं जिन्होंने अपनी उम्र 18 साल पूरी कर ली है वो अपना मतदाता सूची में नाम देते हैं और यदि नहीं है तो उसको अंतिम रूप से जुड़वा जरूर लें। झारखंड पुलिस ने मेरठ के सदर पुलिस की मदद से 5 करोड़ से ऊपर की धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले बंटी बबली को मेरठ में धर दबोचा है। आरोपियों की लोकेशन यहां मेरठ में मिली थी जिसके बाद कार्यवाही की गई। पुलिस ने खुलासा किया कि देवघर में कुछ लोगों को चाउमीन बनाने वाली कंपनी में पार्टनरशिप का लालच देकर ये धोखाधड़ी की गई थी। आरोपियों को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर साथ लेकर लौट गई। सर 5 करोड़ की ठगी का मामला है, क्या पूरा मामला है ये?
मामला ठगी का तो है, लेन देन की मामला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेन देन किए हैं, ये चाउमीन बनाने के लिए इन्होंने फैक्ट्री बैठाए थे जिसमें लेन देन किए हैं। किस तरह से इन्होंने इस 5 करोड़ की ठगी, मतलब किस तरीके से इन्होंने जा करके मांगे कि हमें पैसा चाहिए, पैसा लेन देन किए, उनसे मांगे, कुछ बैंक से, कुछ चेक के माध्यम से लिए हैं। कितने दिन की रिमांड आपको दी गई है कोर्ट द्वारा? 72 घंटे की रिमांड। और कितने लोग थे जिनसे इन्होंने पार्टनरशिप की भी बात आ रही है सामने निकल के, क्या बात? पार्टनर तो और बहुत सारे लोग थे, लेकिन 2 सामने आए अभी, अभी अनुसंधान जारी है, आगे की कार्रवाई होगी। क्या नाम भैया आपका? सुरेंद्र कुमार। मैं देवघर झारखंड का रहने वाला हूँ। क्या आरोप लगाया आपका? मेरे दोस्त ने मेरे पर 5 करोड़ का आरोप लगाया कि मैंने उसके साथ धोखाधड़ी की है, लेकिन मैंने ऐसा ना मेरे को किसी ने 5 करोड़ दिए, और जिसने उसने थोड़े बहुत पैसे दिए थे मैंने अकाउंट के जरिए कैश के जरिए उसको वापस कर दिया, उसका एविडेंस मेरे पास है मेरे घर पे। तो किस तरह का धोखाधड़ी का आरोप लगाया? मैं वहाँ पर ना झारखंड सरकार से ज़मीन मिली हुई थी मेरे को फैक्ट्री लगाने के लिए अनुदान पर, उसी में वो दबाव बना रहा था कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, और जो भी जितने भी पैसे उन्होंने मेरे को दिए थे मैंने सारे पैसे उनको लौटा दिए, मेरे पास एक पैसा नहीं उनका। मेरी चाउमीन की फैक्ट्री थी मेरी वहाँ पे, दो मेरी फैक्ट्री चाउमीन की सॉस की फैक्ट्री है मेरी वहाँ पे कारोबार में। मेरे कहीं जा रहे थे? फिर बस स्टैंड पर आए थे, बस स्टैंड पर आए पुलिस वालों ने पकड़ लिया। हाँ जी, मेरठ के दिल्ली रोड स्थित मेट्रो प्लाजा मारवाड़ी भोज में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि दिल्ली की सांसद मीनाक्षी ने कहा कि इस बार हमारा लक्ष्य 400 पार का है, जिसमें 300 तो बीजेपी ही जीतेगी और 100 सहयोगी दल जीत कर लाएंगे। मेरा अपनी तरफ से ये मानना है कि हम लोग जो है 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिसमें भाजपा खुद अपने दम पर 300 पार करेगी और बाकी हमारे अन्य दलों के समर्थन से 400 पार होने जा रहा है। यूपी के लिए क्या है जिस तरह गठबंधन, जितना 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 आंकड़ा था उस आंकड़े को हम पार ही करेंगे, उससे कम नहीं रहने वाले, ये भी हमारा पूरा विश्वास है और इस जनता के प्रति समर्पण भी है। इस प्रदेश की जनता भी बहुत अच्छी तरह जानती है कि किस समर्पण के भाव से इस सरकार ने 5 साल काम किया है और अभी भी यहाँ पर जो राज्य की सरकार है वो किस समर्पण के साथ काम कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों को बीमा देने की बात हो, चाहे MSP की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, हर तरफ काम हो रहा है, चाहे पुराने एयरपोर्ट्स ही क्यों ना हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, कोई ऐसा वर्ग और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कार्य नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।